और प्रयागराज में कुंभ शुरू होने से अब कुछ ही घंटे का समय बाकी है। मंगलवार तड़के पहले शाही स्नान के साथ ही 55 दिन तक चलने वाले अर्ध कुंभ का आगाज हो जाएगा और इस बीच देश भर में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। सूरज की पहली किरण के साथ ही प्रयागराज के संगम में सोमवार को मकर संक्रांति का पावन स्नान शुरू हो गया। हजारों की तादाद में श्रद्धालु आस्था के सागर में डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासन ने शाही स्नान के साथ कुंभ की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और श्रद्धालु इससे काफी खुश नजर आ रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, मतलब कि सबकी देखभाल अच्छी कर रहे हैं, नहाने वालों की सफाई भी बहुत अच्छी, इंतजाम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत इंतजाम बहुत अच्छा है। मंगलवार तड़के से ही शाही स्नान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस बार कुंभ परिसर पहले के मुकाबले करीब दोगुना क्षेत्र में बनाया गया है। 1 लाख से ज्यादा शौचालय के साथ ही सरकार स्वच्छता पर विशेष जोर दे रही है। बसावट का काम जो अभी लगभग पूरा हो गया है और करीब 5.5 किलोमीटर के घाट विकसित किए गए हैं और 35 घाट निर्मित किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा पूर्वक स्नान व्यवस्था की जाए और घाटों में सारे लाइट से लेके बैरिकेडिंग से लेके सुरक्षा जल पुलिस की तैनाती से लेके सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात की सुगमता के लिए कई नई पहल की हैं। परिसर के करीब ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इस बीच सोमवार को एक टेंट में आग लगी जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया। 4800 हमारे फायर स्टेशन है, 15 चौकियां जो अखाड़ों में खड़ी हम लोगों ने लगाई है और वाटर हाइड्रेंट्स है जिससे कि तत्काल कोई बात होती तो हम उसको कवर कर सके। इस बार भी इतनी बड़ी आग लगी है, एकाएक 2 सिलेंडर फटे लेकिन भगवान की कृपा थी कि वो आग वहीं पे कंटेन हो गई। प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक कुंभ मेला 15 जनवरी से 4 मार्च तक चलेगा। इस बार इसमें करीब 13 से 15 करोड़ लोगों की आने की उम्मीद है। इस बार कुंभ की थीम स्वच्छ कुंभ और सुरक्षित कुंभ है। कुंभ 2019 के आगाज के साथ ही प्रयागराज में श्रद्धालुओं का जुटना शुरू हो गया है। पहले शाही स्नान के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले शाही स्नान में कितने लोग जुटते हैं। कैमरामैन डीके पांडे के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, प्रयागराज।